हाय गाइस, आप देख रहे हैं डीके इलेक्ट्रिकल चैनल। दोस्तों, आज बात करेंगे हम छत में बिजली फिटिंग की। दोस्तों, जब भी हमारे घरों में मकान बनता है, सबसे पहले छत डलती है, तब छत में हमारे बिजली फिटिंग होती है। बिजली फिटिंग की मकानों में शुरुआत छत से ही होती है। दोस्तों, हम जानते हैं बिजली फिटिंग में आने वाली सामानों की। दोस्तों, हमारे जो घरों में बिजली फिटिंग होती है, उसमें आवश्यक है एक तो फैन बॉक्स, जैसे जितने अपने रूम है उसके हिसाब से फैन बॉक्स आ जाएंगे, एक कंसर्ट बॉक्स और बैंड और पाइप। तो दोस्तों, जितना हमारा स्क्वायर फीट का मकान है, उस हिसाब से हमारे फैन बॉक्स, कंसर्ट और पाइप लगेंगे। दोस्तों, इसमें अभी छत में जब भी छत डलती है, तब पाइपों की, फैन बॉक्सों की और कंसर्ट बॉक्स की और बैंड की, इनकी आवश्यकता होती है। और बाकी का सामान जब हमारा मकान का जो प्लास्टर होता है, तब और सामानों की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, जानते हैं छत में कैसे बिजली फिटिंग करें। सबसे पहले दोस्तों, हमारा जो रूम है ये 10 बाई 10 का है, उस हिसाब से हमने ये 20 सेंटर निकाल के और ये बक्से को सेट कर दिया पंखे के। वो 10 बाई 10 का रूम है जिसमें एक पंखे की ज़रूरत है। जैसे दोस्तों, अगर बड़ा रूम है तो उसमें डबल पंखे लगा सकते हैं, लेकिन ये हमारा जो साइज में छोटा है, तो इसमें हमने चारों दो 10 बाई 10 का 20 सेंटर निकाला है। तो 20 सेंटर ये निकला जहाँ पर हमने फैन बक्से को रख दिया। उसके बाद में दोस्तों, हमने जो कंसर्ट लगाई है, तो ये जो कंसर्ट है, जो हमारी जो दो दो फिट के हिसाब से आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये हमारा आसार है, जिसको जो दीवार हमारी, वहाँ से हमने ये दो फिट का सेंटर निकाल के, 2 फिट लेफ्ट से, 2 फिट राइट से निकाल कर ये कंसर्ट को सेट कर दिया। वैसे दोस्तों, हर प्रत्येक कोने में, जैसे आपको दिख रहा होगा, फिक्स दीवार है, उसे दोनों साइडों से 2-2 फिट का गैप लेके हम कंसर्ट को सेट कर देंगे। इधर आप देख रहे होंगे, इधर भी यही पोजिशन है। आपको दोस्तों, हम चेक करवा सकते हैं भाई 2 फिट का है कि या नहीं। दोस्तों, आप देख सकते हैं, हमने फिक्स दीवार से, जैसे वो दीवार है यहाँ पर, यहाँ से फिक्स कंसर्ट के लिए 2 फिक्स की जगह ले ली है। इधर से भी 2 फिट की लगेंगे। जैसे दोस्तों, इस दीवार से ये फिक्स 2 फिट का सेंटर आ गया। तो हम प्रत्येक प्रत्येक कॉर्नर पर 2-2 फिट का हम गैप लेकर कंसर्ट को सेट कर देंगे। दोस्तों, आप बारीकी से देख सकते हैं, जैसे एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये, और चौथा ये हो गया कंसर्ट, और 20 सेंटर पे हमारा फैन बॉक्स हो गया। अब इसके बाद में बात आती है दोस्तों, हम दीवारों पे जब बोर्ड उतारते हैं, उसके लिए जो हमको छत से ही पहले पाइप उतारने पड़ते हैं। तो दोस्तों, हमने 2 दीवारों पर पाइप उतार दिया। ये 20 सेंटर से पंखे के यहाँ से एक होल होता है, होल में से लेके पाइप को यहाँ पर ये बैंड लगा के नीचे दीवार में उतार दिया, जिससे दोस्तों हमारे जो बोर्ड की जो सप्लाई होगी, इस बैंड के माध्यम से यहाँ पर वायर आएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये फैन बॉक्स से इधर एक पॉइंट इधर उतार दिया, जो नीचे हमारे बोर्ड में जाएगा। और दूसरा, हमने फैन बॉक्स से ये बैंड लगा के नीचे ये दीवार में उतार दिया। दोस्तों, आप हमारे रूमों में 4 दीवार होती है, चारों दीवारों पे आप 4 पॉइंट उतार सकते हो अगर ज़रूरत हो तो। अगर ज़रूरत कम है, आप जैसे दोस्तों, हमको ये रूम छोटा है, तो इसलिए हमने 2 दीवारों पे ये बोर्ड उतार दिए हैं। आप 3 पे भी उतार सकते हो, 4 पे भी उतार सकते हो। तो दोस्तों, इस तरह हम हमारे जो रूम है, उसमें हम अब जो बैंड लगा के पाइप से मेन सप्लाई उतार देंगे। आपको दिख रहा होगा दोस्तों, हमने एक तो आपको ये बैंड दिख रहा है, उसकी सप्लाई उतार दी है, और दूसरा इस दीवार पे वो बैंड लगाकर नीचे सप्लाई उतार दी है। इसमें एक रूम में 4 कंसर्ट, एक फैन बक्स, जो फैन का पंखा है, जो फैन लगाएंगे हम, जो बक्सा हमने अभी सेट कर दिया है। तो ये एक रूम का जो आपको दिख रहा होगा, ये 10 बाई 10 का रूम है, उसमें एक पंखे और 4 कंसर्ट की ज़रूरत है, जो काफ़ी है। दोस्तों, हम इससे बड़ी साइज का रूम है, उसके उसको दिखाएंगे। अब दोस्तों, ये रूम
उससे बड़ा है ये लगभग 13.5 बाई 13.5 का 13 का है। इसमें भी हम एक पंखा लगा रहे हैं दोस्तों, उसी उसी तरह हम इसमें भी 4 कंसर्ट और एक फैन बॉक्स सेट कर देंगे। और एक बात और है, जब भी हम फैन बॉक्स को लगाएंगे तो उसके नीचे ये से गत्ता लगा देंगे, जिससे हमारा जो जो कंक्रीट है जब छत डलती है मशीनों से तो कंक्रीट इसके नीचे नहीं भरे, जमा नहीं हो, सेट नहीं हो। अगर दोस्तों अगर ये कागज़ हम नहीं लगाएंगे तो इसके अंदर सीमेंट भर जाएगा और हमारा ये जो बक्सा है जो ब्लॉक हो जाएगा, और हमारी पूरी फिटिंग है जो हमने सेट की है वो किसी काम की नहीं रहेगी। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले हमको यही चीज़ ध्यान में रखनी होगी, जब भी हम बक्सा लगाएंगे फैन का हो चाहे कंसर्ट का हो चाहे डीप का हो, तो उसमें सबसे पहले हम ये ऐसा गत्ता लगाएंगे। और दूसरी बात दोस्तों, हम जो हमारा जो पाइप है लंबाई ज़्यादा रहती है तो हमको ऐसे बीच बीच में से तारों से इस तरह बांधना होगा। अगर दोस्तों इस तरह नहीं बांधेंगे तो ये पाइप हमारा जब छत डलेगी तभी ये इधर उधर हो सकता है और ये इस बक्से में से ये पाइप निकल सकता है। इसलिए दोस्तों हम प्रत्येक पाइप को 2 जगह या 3 जगह से ऐसे ज़रूर बांधेंगे। आप देख सकते हो दोस्तों हमने भी कंसर्ट में इस तरह गत्ता लगा दिया है और इसको हमने तार से इस तरह फिक्स कर दिया है। दोस्तों अगर हम इसे फिक्स नहीं करेंगे तो हमारा ये जो आजकल मेट्रो से ज़्यादा छत डलती है तो उसका जो कंक्रीट है वो एक साथ डलता है, तो वो उसकी दाब से ये निकल सकता है, हट सकता है, तो हमारा पाइप ये अलग हो जाएगा, ये एक कंसर्ट अलग हो जाएगा, जिससे हमारा नुकसान हो जाएगा, हमारी फिटिंग नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों हम प्रत्येक बक्से को इस तरह फिक्स कस देंगे जिससे ये कहीं हलने चलने वाला नहीं है, और गत्ता लगा देंगे। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, तो ऐसे हम हमारे घरों में फिटिंग कर सकते हैं। दोस्तों ये इस रूम में इस तरह का ये सीन बना हुआ है जिसमें चारों कोनों पे जैसे एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। इस तरह हम 4 तो कंसर्ट देंगे और एक पंखा दे देंगे। तो दोस्तों हमने इस रूम में ये थोड़ा बड़ा है तो इसमें हम 3 तरफ सप्लाई उतार रहे हैं, तो एक सप्लाई तो ये हो गई दोस्तों, जिसमें हमने जो हमारा बक्सा है पंखे का वहाँ से पाइप लगा के डायरेक्ट इस दीवार पर इस तरह उतार देंगे। दूसरा दोस्तों हम इधर इस साइड में भी इस तरह उतार देंगे, और दूसरा तीसरा है जो इस तरह इस दीवार पर उतार देंगे। दोस्तों हमारे लिए ये रूम जो इम्पोर्टेंट है इसमें हम 3 दीवारों पर ये बक्सा उतार रहे हैं, सप्लाई उतार रहे हैं, जिससे हमारे पूर्ति जो आगे बिजली की ये कंसर्ट की पंखे की और दूसरी लाइटें हैं उनकी पूर्ति आसानी से हो सके। इसलिए दोस्तों हमने 3 तरफ ये उतारे हैं, आप 4 तरफ भी उतार सकते हो दोस्तों, अगर ज़रूरत हो रूम बड़ा हो 4 तरफ आप पॉइंट उतार सकते हो, बक्से 2 लगा सकते हो पंखे के, अगर बड़ा हुआ कंसर्ट भी आप ज़्यादा बढ़ा सकते हो उसके अंदर। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। दोस्तों एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारा जो बालकोनी है छज्जा बोलते हैं उसको, ये 3 फिट का है, इसमें भी हमने इस इतने गैप से ये लाइटें लगा दी है। आप 5 फिट का भी ले सकते हो लाइटों का गैप, 7 का भी ले सकते हो। अगर दोस्तों ज़्यादा लेंगे तो आपको ये जो लाइट लगाएंगे बाद में तो वो अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए दोस्तों 6 फिट या 7 फिट का नॉर्मल होना चाहिए, 5 फिट भी आप कर सकते हो, 4 फिट करेंगे तो ज़्यादा पास हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह इतने गैप से आप छज्जे में ये लाइटें लगा सकते हो। दोस्तों ऐसे आप फिटिंग करके हज़ारों रुपए आप अपने घर में बचा सकते हो, और अपने दूसरे काम में भी आप अगर ये काम करना चाहते हो तो आप आसानी से कर सकते हो। धन्यवाद।